सोलन में संस्कृत महाविद्यालय में अध्याय दिवस मनाया गया। इस दिवस पर जहां अध्यापक हड़ताल पर दिखे, वहीं विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों और अध्यापकों ने कहा कि भाजपा सरकार आते ही उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा सरकार संस्कृत के उत्थान के लिए कुछ करेगी, लेकिन उनकी करनी और कथनी में बेहद अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री संस्कृत के उत्थान के लिए नहीं बल्कि पतन के लिए कार्य कर रहे हैं, और अगर उनका रवैया भविष्य में भी ऐसा रहा तो वह भूख हड़ताल करेंगे, जिसके जिम्मेदार खुद शिक्षा मंत्री होंगे। संस्कृत अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश शर्मा और एबीवीपी के कैंपस अध्यक्ष अंकुर प्रभात ने शिक्षा मंत्री पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री संस्कृत कॉलेज के प्राचार्यों की योग्यता को कम बताकर ऐसे प्राचार्यों को नियुक्त किया गया है जो कि डिग्री कॉलेज के प्राचार्य हैं, जो संस्कृत अध्यापकों की तोहीन है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने अपनी ओथ संस्कृत में ली थी तो उन्हें उम्मीद थी कि वह संस्कृत के उत्थान के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने उत्थान की बजाय संस्कृत का पतन आरंभ कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने कमीशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें चुना नहीं जा रहा है, बल्कि अध्यापकों को आयात किया जा रहा है। अगर वह इस तरह का रवैया रखना चाहते हैं तो बेहद है कि वह शास्त्रों के संरक्षण के लिए बने संस्कृत कॉलेजों को बंद कर दें। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री अपने निर्णय को नहीं बदलते हैं तो वह अपनी हड़ताल जारी रखेंगे और भूख हड़ताल आरंभ कर देंगे। हमारी योग्यता पे शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाया है। अगर आपने यही सब कुछ करना है तो संस्कृत महाविद्यालयों में ताला लगा दीजिए और डिग्री महाविद्यालयों में ही हम पढ़ाएंगे। हमारी परंपरागत संस्कृत महाविद्यालय है, यहाँ परंपरा की वजह से ही संस्कृत महाविद्यालय अलग खोले गए हैं। ये महाविद्यालय सरकार ने शास्त्रों के संरक्षण के लिए बनाया था, ना कि अन्य किसी चीज के लिए। आजादी के बाद पहली बार ऐसा कदम किसी शिक्षा मंत्री द्वारा उठाया जा रहा है जो कि निंदनीय है, और ऐसी कल्पना हमने नहीं की थी। हमें बड़ी आशा थी शिक्षा मंत्री से, तब आशा थी जब एक शिक्षा मंत्री संस्कृत में शपथ लेता है, और इन शिक्षा मंत्री महोदय की कथनी और करनी में बहुत सारा विरोधाभास है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये हमारा एक संकेतात्मक है। शिक्षा मंत्री जी यदि अपना निर्णय वापस लेते हैं तो हम कल से अपनी पढ़ाई शुरू करवाएंगे, अपनी पढ़ाई भी करेंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अन्यथा हमें भूख प्यास में बैठना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री द्वारा संस्कृत में ही शपथ ग्रहण किया गया है, लेकिन वो संस्कृत को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। वो हमारे को किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कैरटू में महाविद्यालय में संस्कृत महाविद्यालय में एक प्रिंसिपल को नियुक्त किया है जो कि एक डिग्री कॉलेज के टीचर है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। और हमारी मांग है कि जिन जो बच्चे आज से 5 महीने पहले कमीशन और इंटरव्यू में निकल चुके हैं उनको पद क्यों नहीं दिए जा रहे।